तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह का टाइम है, 5:48 हो रहा है, मतलब 6 बजने वाला है और मेरा छुट्टी का भी टाइम होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आज यार मूड ख़राब हो गया है मेरा। किस बात से बता देता हूँ आपको। कल शाम का वक्त था, ठीक है, सबको मैंने काम वाम करके छुट्टी वुट्टी हो गई है, डे शिफ्ट वाले की छुट्टी हो गई। उससे पहले मतलब कि थोड़ा देर पहले है ना, मतलब इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपको पता है मेरा रूम तो वही टीना चदरा वाला टाइप का बना हुआ है और इतनी गर्मी की वजह से मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था। मतलब यार कितना भी करते हैं ना, मतलब नाइट ड्यूटी करने के बाद है ना, मात्र 4 घंटे अगर सो लिया तो इतना ही समझ जाओ कि बहुत सो लिया। और 4 घंटे ज़्यादा मैं सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, जैसे नाइट करने के बाद है ना, जब डे में ड्यूटी मैं सोता हूँ जा करके, नहा धोवा करके, खाना पीना खा करके, नाश्ता वास्ता करके मैं जब सोता हूँ तो 4 घंटे ज़्यादा नहीं सो पाता, ठीक है। और 1 बजे फिर लंच हो जाता है, और जब 1 बजे लंच हो जाएगा तो फिर सारे लड़के जो लंच के हैं वो रूम पर आ जाते हैं लंच करने के लिए, और उसके बाद फिर सबको उठना पड़ जाता है, नींद टूट जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से तो मैं आया सीधा, पानी पानी उस समय चल रहा था, मोटर भी चल रही थी, हुआ संजोग से क्या अचानक पानी गायब। भाई अचानक पानी गायब हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, मालूम किया, पता किया तो कहा कि मोटर फूक गया। यार मोटर फूक गया, अब हम मेरा तो और दिमाग ख़राब, क्योंकि हम जानते हैं अगर मोटर फूक गया दोस्त तो हम किसी को दिक्कत ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा गंदा काम करता हूँ, पता है, और सबसे ज़्यादा गंदा काम करता हूँ। आपको देख कर अनुभव रहा होगा कि कितना गंदा काम है, मैं बहुत ज़्यादा गंदा काम करता हूँ। तो अगर मुझे पानी ना मिलेगा तो मैं नहा पाऊँगा, साफ़ हो पाऊँगा? उन लोग तो नहीं नहाएगा, एक दिन तो 2 दिन 3 दिन भी नहीं तो साफ़ ही रहेगा, लेकिन मैं गंदा हो रहता हूँ। अभी मैं गंदा रहूँगा, अगर मैं आज नहीं नहा पाया तो कल भी नहीं नहा पाऊँगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा हो गई टेंशन, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, किसी तरह करके पता किए तो कर कि भाई कम से कम पीने वाला पानी मिल जाए। चलो नहीं मिला, कम से कम नहाने के लिए पानी तो क्या कर सकते हैं, पीने का पानी तो कम से कम मिले। दोस्त के बताऊँ, पानी पीने को वाला भी नहीं है घर में, एक बूंद पानी नहीं था, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना मेरा, पीने के लिए मैं पानी से तरस गया। अब उसके बाद वहाँ से मैं उठा तो मैंने पता किया कि एक नया फ्रिज लगा, नया फ्रिज वाले में गया, देखता है फ्रिज में पानी नहीं है, वहाँ ये पानी नहीं है, यहाँ ये पानी नहीं है। अब पानी एक में आ रहा था ठप ठप, जैसे बूंद बूंद टपकता नहीं वैसे आ रहा था। मैं यार कहाँ आगे फंस गया यार, कंपनी में काम कर रहे हैं कि साला घर में काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब इस तरह का वैभव हो रहा है यहाँ पर, सच्चाई बताऊँ दिल की बात, एक तो मेरा आत्मा कभी कभी ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना अंदर अंदर से, और कभी रोने का भी मन करता है, लेकिन इस वजह से मैं रोता नहीं हूँ कि रो के क्या मिलता है यार, रोएंगे क्यों हम। लेकिन दिल में एक बार चोट लग जाती है कि यार क्या है, किस जगह पे आके फंस गया, मैं सबसे ज़्यादा बेकार जगह पे आ गया हूँ काम करने के लिए, पैसे के चक्कर में इंसान जानते हो यहाँ पर भूखा रहना मंजूर है, मतलब पेट पाल करके, मतलब पेट को भूख को मार करके इंसान लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग तो इसी बात का ख़राब होता है दोस्त, कि यहाँ पर जो है ना इस तरह का मतलब खाना पीना को लेकर के किस तरह लोग काम करेंगे यार, और हल्का फल्का काम नहीं होता, बहुत भारी भारी काम होता है। अब नज़ारा दिखाऊँ, ये देखो सारा लोहा का लाइन है, ये उठेगा, उठा लेगा आदमी, बताओ, ये देखो ये उठा लेगा, एक प्लेट जो रखा हुआ है ना इसके ऊपर, एक प्लेट वो तो उठा ही नहीं पाएगा एक आदमी, इतना भारी है, सब मशीन से तो उठता है, फिर भी कभी कभी ऐसा वक्त आता है ना कि हाथ से उठाना पड़ता है, और 4-5-6 बंदे मिल करके इसको उठाते हैं, इतना दिमाग ख़राब होता है। ऊपर से खाना सही नहीं, शरीर में ताकत कहाँ से मिलेगा, जब अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा से रहोगे नहीं तो क्या मतलब क्या काम करोगे यहाँ पर। मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग इसी बात से ख़राब होता है, खाना पीना को लेकर के, लेकिन क्या करें, यहाँ पर आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए, मजबूरी में फंसे पड़े हैं तो क्या करें, मजबूरी का तुम जो जो उसका इस्तेमाल करना कर लो। हम यहाँ आ गए थे शीला को तबीयत को लेकर के कि तुम्हारा तबीयत सही हो जाएगा, तो मैंने उसको है ना दिल्ली में छोड़ दिया, मैं पंजाब चला आया काम करने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना उसका इलाज भी वहाँ से होता रहेगा, मैं यहाँ से कमा कमा पैसा भेजता रहूँगा,
यहाँ आया तो मालूम चला कि हमको पहले यहाँ से तो बताया था कि कैंटीन है, कैंटीन में खाना मिलता है और रहना वहना सब कंपनी की तरफ से ही है। मैं ये सोचा कैंटीन है तो कैंटीन में क्या दिक्कत है, कैंटीन में अच्छा अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पता चला कि कैंटीन में क्या अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ केवल जीने जिंदा रखा जाता है इंसान को। यार उसमें ही बंदे अपने पैसा लगा के खाते हैं यहाँ पर, सही बता रहे मजबूर ने। और बहुत ज़्यादा बकवास है, मेरा मूड ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। यहाँ तक तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई खाना पीना को लेके दिक्कत है, तुमने खाना नहीं दिया। यार पानी के लिए भी तुम तरसा दोगे क्या? पानी भी नहीं दोगे कंपनी में? अगला बंदा गर्मी का सीज़न है, एक एक रोटी कम खाएगा बंदा, लेकिन पानी जरूर पिएगा इस। लेकिन फिर भी इस बात है ना, सबकी खोपड़ियाँ में ना घुसती है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं। एक हम ये भी हाल फिलहाल में आज रात की बात बताता हूँ। मैं गया था बोलने के लिए, मैं गया बोलने के लिए और सब मिलके मेरे को दाब दिया। मैंने कहा क्या यार बेकार है, मैं बोलना ही बेकार है तुम लोगों के लिए। मतलब तुम लोगों के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बोल रहे हैं तो तुम्हारे गाने में दर्द हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि तुमको बोलने नहीं है, हमको जाओ नहीं बोलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे थे तो हम तुमको बुरा लग गया, मैंने तुमको ठीक किया है। एक अंग्रेजी शासक जो था ना, अंग्रेज लोग आगे शासक जो किया इंडिया पर, वो भारत में कैसे किया, फूट डालो शासन करो, वही वाली बात कहावत यहीं पर आ गई है। लोगों को सब में फूट डाल दिया है, अब फूट डाल करके ना शासन कर रहा है ये सब कंपनियां। बात रहेगी तो दिक्कत आ जाएगी, अगर सुन वीडियो जाएगी ना उसके हाथ में तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा। लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, जा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक बार अगर फैमिली वाले हो तो आप समझ सकते हो कितना दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चल क्या बताऊँ, इन लोगों की आंखों में ज़रा भी शर्म नहीं है, इसी वजह से मुझे भी थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होने लगी है। आज पानी अगर पानी 6 बजे तक वो नहीं आया ना दोस्त, तो आज मैं तो यहाँ अभी बैठ के आपसे आपके सामने बात भी कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता मैं इसे बात भी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं है, मैं नहा नहीं पाऊँगा, मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। और मुझे पता है कि पानी है नहीं, क्योंकि कल ही मोटर फूक गया था शाम में, और शाम के बाद से अभी तक ठीक हुआ कि नहीं हुआ कोई पता नहीं है। अब जाऊंगा देखूंगा पानी आ रहा होगा तो ठीक है, पानी आ रहा होगा तो ऐसे तो डब्बा में रखा गया था, वो मतलब कि बड़ा वाला डब्बा में पैक करके, ठीक है। क्या यार नीला क्यों हो जा रहा है? ये बात तो बात सही है, लेकिन एक बात बताइए, घर अब यहाँ से शीला का जो शीला फ़ोन करती है, शीला का तो थोड़ा तबीयत ख़राब रहा है यार, क्या बताएं तुमको, हम आपसे क्या छुपाएं, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मजबूरी में रह करके उसको मतलब वहाँ पर छोड़ दिया हूँ। मेरे पास पैसा का थोड़ा दिक्कत था, इसी कारण उसको मैं अपने साथ नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर रहूँगा उसके साथ में जहाँ तो मैं जहाँ से मैं यहाँ से तो कुछ पैसा भेज भी देता हूँ, एक ऊपर से यार 30-40 हज़ार रुपये कर्जा हो गया है सर पे यार, उसी को इधर उधर भागते दौड़ाते ठीक ठाक कराते हुए इधर उधर, समझ सकते हैं फैमिली वाला इंसान फंस जाता है यार। मैंने उसको लेकर के मैंने उसको इलाज उलाज करवाने के लिए मैंने उसको लेके गया यहाँ से, ठीक है। अभी मेरे पास पैसा कौड़ी है नहीं तो मजबूरी में उसको क्या करना पड़ेगा, तो किसी तरह उसको रोकना होगा ना उस जगह पर। मैंने रोक के उसका इलाज उलाज करवाने के लिए जो पैसे उसे लिए हैं उसको सारा कर्ज मेरे सर पे आ गया। इस महीने सारे कर्ज तोड़ूंगा यार, इस महीने पूरा ढंग से अच्छा से काम करूँ, सारे पैसे देने हैं। आज मैंने सोच लिया सारे पैसे इस महीने के लिए करके, अगले महीने मेरे जो पैसे आएंगे तो मैं यहाँ से फिर बल्लभगढ़ के लिए निकल जाऊँगा। सबसे बुरी बात बताऊँ, मेरी खुन्नक सी आती है सबसे ज़्यादा, मेरा सबसे ख़राब मोबाइल मेरे हाथे चढ़ गया है। एकाएक अंधेरा हो जाएगा लाइट, एकाएक हो जाएगा पूरा वाइट लाइट, अब मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनती है यार। मैं इसको हटा दूंगा कसम से, मेरा खोपड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया इस मोबाइल ने। मैं ये सोच के नहीं लिया था, 8 GB RAM का मोबाइल लिया था मैंने, वो भी किस्त पर, और इस महीना मेरे को किस्त देकर इसका मोबाइल का सारा कहानी ख़त्म करूँ। देखो देख रहे हो ना ऑटोमेटिक कैसे अंधेरा हो जा रहा है। मन तो करता है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मजबूरी में इसी पर से काम कर रहा हूँ ना अभी, इसी कारण मैं इसको हटा नहीं सकता अभी, किसी तरह झेल रहा हूँ अभी। जिस दिन मूड ख़राब हो जाएगा उस दिन कहानी ख़त्म कर देंगे इसका। एकाएक अंधेरा हो जाएगा, एकाएक रोशनी आ जाएगा पूरा अच्छा से, एकदम चमकने लगेगा चम 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 चम। एक तो वीडियो बनाओ ऊपर भी अंधेरा, चेहरे में फोटो आए, कितना बेकार लगता है। देखो एक बार चेहरा लगेगा तुम किले हो जाएगा, जैसे हम हटाएंगे ना काला हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे वाइट हो जाएगा। चलिए अब जाते हैं नहाने, नहाएंगे धोएंगे, देखते हैं नहाने के पानी नहीं मिल जाए तो सही है, और नहा लेंगे तो पानी मिल जाएगा तो नहा लेंगे। नहाने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा तैयार व्यार होंगे अच्छा से, तो कुछ खाने नाश्ता से करने जाएंगे, तो मिलते हैं आपसे नहा थोड़ा सा नहा धोवा करके। तो चलिए नहाते हैं।
तो नहा धो के अब आज को हैं, क्योंकि पानी मिल गया था, मोटर सही थी यार। दोनों लोगों ने अफवाह फैला रखा था झूठ का, कि मतलब जाना कि मौसम ख़राब थी, वो मोटर ख़राब हो गया, मोटर ख़राब हो गया। मैंने कहा यार मोटर ख़राब हो गया होगा तो फिर वीडियो बनाने में, नहाने वहाने में दिक्कत आ जाएगी। फिर मैंने नहाने धोने को लेकर के मैंने कहा कि नहा धोवा लेता हूँ, मैंने नहा धोवा लिया बढ़िया से। नहाने धोने के बाद मैंने सोचा क्या कि मतलब चलते हैं, खाना पीना खाएंगे आराम से। अभी सुबह का 7 बज रहा है, करीबन 7:37 हो रहे हैं, और अभी देख रहे हैं यहाँ भट्टा का काम होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ भट्टा उट्टा का काम होता है, यहाँ पर ईंटा उट्टा का ज़्यादा काम होता है, तो यहीं बनता है। तो हम लोग सोचे थे यहाँ पर रहना, नहाते यहीं छत पर नहा लिया हम लोग, कहने के टॉयलेट नहाने के लिए नहा धोवा करके आराम से आ गए। अब खाना वाना खाने के लिए जाएंगे, 7 बजे हमारा लंच टाइम हो जाएगा, मैंने कि भाई नाश्ता करने का टाइम हो जाएगा, नाश्ता वास्ता करेंगे आराम से, फिर तभी 2-4 घंटे सोएंगे बढ़िया से। तो चलिए नहाते धोते हैं आराम से, सॉरी मतलब जा रहे हैं अब, मतलब तैयार व्यार होकर के आराम से थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं, फिर सोएंगे 3-4 घंटा। 3-4 घंटा सोने के बाद फिर गर्मी ताप देगा, फिर सो नहीं पाएंगे। तो चलिए खाना नहाते, सॉरी बार बार, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सोएंगे थोड़ा देर। तो अभी 7 बजने में अभी है समय आधा घंटा, तो आधा घंटा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं खाना वाना खा करके आपसे। अभी मौसम तत्काल के लिए तो सही है, ठंडा ठंडा रहता है सुबह सुबह यहाँ पर, और ठंडा ठंडा मौसम की वजह से हमको लगता है कि यहाँ गर्मी का एहसास अभी इसमें नहीं होता है, लेकिन जब 12-1 बजता है तब यहाँ पर गर्मी का एहसास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे देखो ये पहले टीन का होया करता था, अब ये सीमेंट वाले जो है ना, ये कम कम गर्म होता है, लेकिन गर्मी ज़्यादा तब होता है जब मतलब आप समझ सकते हैं हमारे रूम का हालत देखो सबका, एक तरफ से देख लेना सब ऐसे सोता है यहाँ पर, सबका हालत ख़राब है, सब नाइट ड्यूटी कर के आया, सब आज संडे का दिन है ना इसलिए सब आराम कर रहा है। पता नहीं जिसको जाना होगा जाएगा, मुझे तो नहीं जाना, बस मैं तो चला थोड़ा देर आराम करूँगा भाई, नाइट करके आया हूँ ना, थोड़ा आराम आराम करूँगा, उसके बाद फिर चलेंगे खाना नाश्ता वास्ता करने का आधा घंटे बाद। तो चलिए नहा के मिलते हैं नाश्ता करने टाइम में।